जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था क्या, वैद्युत आवेश कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र चल रहा दोस्तों। इसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने दो लेक्चर का अध्ययन कर लिया, यानी कि दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का आज कौन सा लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों, लेक्चर नंबर बेटा है थर्ड, क्योंकि इसके पहले आपने कितने का अध्ययन किया, दो का अध्ययन कर लिया, यानी कि दो लेक्चर इसके पहले आपको प्रोवाइड किए जा चुके दोस्तों। आपको लेक्चर नंबर दो और लेक्चर नंबर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप दोनों लेक्चरों को आसानी से देख पाएंगे। दूसरा क्या बेटा, आपको प्लेलिस्ट से भी आप सारे लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाते हैं, इसीलिए प्लेलिस्ट से देखना सबसे आसान है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट का जो बेटा नाम है, वो प्लेलिस्ट का नाम है कि क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार रिपीट कर रहा हूँ पुनः, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो सारे वीडियो आपके क्या होंगे, सीरियल वाइज आ जाएंगे दोस्तों, तो आप वहां से भी देख सकते हो दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन भाई आपका लेके आया, और ध्यान से देखिएगा बेटा, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। कहने का तात्पर्य दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी कि जिसने खुद बड़ी मेहनत ईमानदारी और लगन के साथ निष्ठा के साथ अपना कोई भी कार्य किया है, वही दुनिया में आगे सफल होता है। आप स्टूडेंट इस समय तो आपका जो आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सभी छात्र इंटर के छात्र हैं, इसलिए आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। कुछ समय बाद तो आएंगे, अभी नहीं आएंगे, 2-4-5 महीने पता नहीं चलेगा कब बीत गए, वो समय आप मत गिनिए, क्योंकि आप वो जिसके पास, क्योंकि आपको रेगुलर पढ़ना है, और रेगुलर पढ़ने वाले ये नहीं देखते कितना समय बचा, क्योंकि उनको रेगुलर पढ़ना है। ये समय कौन देखते हैं, जिनको रेगुलर पढ़ना नहीं होता कि आप एग्जाम आएंगे उसके एक महीने पढ़ लेंगे, इसलिए जो रेगुलर लगातार मेहनत करते हैं, जैसे आपके टीचर जो पढ़ाते हैं, आप यहाँ से वीडियो जो देख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसको नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है, अच्छे नोट्स बनाने के बाद उसका रिविजन कीजिए, यानी कि आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से समय दें, खुराफात मत करिए। यदि आप खुराफात करेंगे तो आगे क्या खुराफाती वाले रह जाएंगे, इसलिए क्या कहा, खुराफात नहीं करना, ईमानदारी लगन और निष्ठा के साथ यदि आप मेहनत करेंगे, यानी कि जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी कि खर्च करने का मतलब क्या, जिसने खुद पे मेहनत किया, जिसने खुद मेहनत की है, खर्च करने का मतलब मेहनत खर्च किया उसने, समय को खर्च किया उसने, मेहनत की है, समय खर्च किया उसने, तब जाके वो क्या होगा, सफल होगा। दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया, मतलब गूगल पर सर्च करने का मतलब आपके पास हजारों सैकड़ों करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे ऐसे, जिसने क्या लगातार मेहनत की, कड़ी मेहनत की है, और आज वो क्या सबसे हाई पावदान पे बैठे हैं, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, बैठे कि नहीं है, बैठे हैं। बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे, हमारे भी दोस्त जो यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐसे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेहनत कर रहे होंगे, और यदि कोई छात्र ऐसा नहीं कर रहा तो आप मेहनत करिए, तभी आपका नाम होने वाला, तभी आप आगे छाने वाले हैं, वरना का यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि इतना आप मिच्योर हो चुके, आप इतने समझदार हो चुके, इसलिए लगातार मेहनत करिए। अपने माँ बाप की आंखों में एक बार झांक के तो देखिए कि आपके माँ बाप ने क्या सपना देखा आपके लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करिए, और जब आप ये सारी चीजें देखेंगे अपने पर जागरूक हो जाएंगे कि हाँ ये हमें करना चाहिए, और यदि आप ठान लेंगे तो कोई भी काम क्या कठिन नहीं, इसीलिए लगातार मेहनत करेंगे तभी आपका नाम हो सकेगा। इसलिए कहा जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी जिसने ईमानदारी के साथ पढ़ाई किया, मेहनत के साथ पढ़ाई किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया, यानी उसी का नाम विख्यात हुआ, वही अपने जीवन में सक्सेस हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों है आपका, लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे में दोस्तों आज आपकी जो मुख्य टॉपिक इस लेक्चर का रहने वाला है, कूलाम का नियम। मोस्ट पहला प्रूफ आपका स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पहला प्रूफ आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, कूलाम का नियम। अभी तक आपने लेक्चर नंबर एक और लेक्चर नंबर दो को देखा था, उसमें सिर्फ आपको थ्योरी बताई गई थी, लेकिन कुछ
प्रूफ कोई नहीं दिया गया था ना, तो आज से आपका प्रूफ की स्टार्टिंग हो रही है। तो आप थोड़ा प्रूफ का झलक देखिए, क्या इंटर में कैसे प्रूफ होते हैं, थोड़ा उसकी झलक देखिए। लेकिन कूलॉम का नियम का पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, पहले उसको सीख लेते हैं, फिर कूलॉम के नियम की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्या वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, उसके बाद बात करते हैं कूलॉम के नियम पर। हेडिंग डाली वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, एक लाइन की डिफिनेशन है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि वैद्युत आवेश को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही क्या कहलाता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। हेडिंग इतनी बड़ी डिफिनेशन भी कितनी उठी, इतनी छोटी सी डिफिनेशन है, क्या वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उससे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आसान है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, लिख लीजिए क्या वैद्युत आवेश, यहीं से आप लिखना शुरू कीजिएगा, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहा गया कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण। नाम से देखिए क्वांटीकरण लिखा हुआ या क्वांटमीकरण, ठीक है। तो क्या वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इतनी आसान डिफिनेशन है कि नहीं, यानी कि वैद्युत आवेश को हम तोड़ नहीं सकते हैं, अनिश्चित रूप से उसको तोड़ नहीं सकते हैं। विभाजित करने का मतलब कि अलग अलग भागों में तोड़, यानी कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फटाक से, फिर बात करते हैं मुख्य टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट आपका पेपर में खूब आता है। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद आपने लिख लिया होगा। अब ये निकालते हैं कूलॉम का नियम, लॉ ऑफ कूलॉम का नियम। बढ़िया, बात करते हैं दोस्तों किस पे, कूलॉम के नियम पे। तो कूलॉम का नियम, बढ़िया आपसे बढ़िया हाथ बांध के ईमानदारी के साथ, जितना मन इधर उधर भटक रहा हो, जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, फटाक सीधा देखिए, कंसंट्रेट होके पूरा दिमाग बोर्ड पे लगा दीजिए, क्योंकि पहला प्रूफ है यहां से, और यदि बेसिक कमजोर हो गया तो आगे क्या होने वाला, समझदार है इसलिए पूरा। यदि आप कहीं मोबाइल चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उसको मत करिए, सब बंद कर दीजिए, सिर्फ देखिए, अभी सिर्फ देखना, उसके बाद जब हम कहेंगे तब आपको लिखना है। क्या कहा, कूलॉम का नियम कहता क्या दोस्तों, जहां समझिए, ये मान लेते हैं दो हमारे पास आवेश हैं, कौन से आवेश, दो आवेश मान लेते हैं, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 मान लेते हैं। कितने आवेश माना, दो आवेश Q1 व Q2 मान लेते हैं, एक दूसरे से आज दूरी पर स्थित है। क्या मान लेते हैं, दो आवेश माना, पहला आवेश देख लीजिए हमारा धन आवेश, पहला कौन सा है Q1, ठीक, ये कैसा पहला आवेश Q1 मान लिया, इससे आज दूरी पर दोस्तों, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर आवेश Q2 है, प्लस चाहे यहां लगा, यहां प्लस लगा, जिसका मतलब यहां लगा है, कहो तो हम लगा ही भी देते हैं, ठीक है। ये प्लस एक बार लगा दिया, इसका मतलब ये प्लस यहां लगा है, हमने लगा भी दिया, दो जगह लगा दिया। आप यदि यहां नहीं लगाते हैं दोनों जगह, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए हम समझाने के लिए एक बार लगा ही देते हैं आपके पास, ठीक है। ये एक दूसरे से कितनी दूर पर स्थित है बेटा, दोनों आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, कितनी दूर स्थित है,
दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक ये इतनी बात क्लियर हो गई। दोनों कैसे आवेश है? समान आवेश है। दोनों कैसे आवेश है? समान आवेश है। तो दोस्तों जो समान आवेश होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते बताया था? दो प्रकार का होता है, बताया कि नहीं बताया? और वो भी विध्वस्त से बताया था, पूरा आवेश के बारे में बताया था, कौन कौन से धनावेश और ऋणावेश होता है। दोस्तों तो हमने बताया था दो समान आवेशों के बीच क्या होता है? सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो समान यदि समान आवेश है यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, यानी कि दो समान आवेशों के बीच सदैव क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यानी कि ये दोनों समान, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, या यहाँ पे ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तब भी वही कंडीशन होती। तो दो समान आवेशों के बीच हमेशा क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या, ये जिसमें बल कार्य करेगा वो बाहर की ओर कार्य करेगा, यानी क्या, एक दूसरे से बाहर की ओर भागेंगे। इन दोनों आवेशों पे जो बल कार्य करेगा वो बाहर की ओर कार्य करेगा, जो हमारा एफ फोर्स लगेगा इस पे, ये वाला, तो बाहर की ओर तो कार्य करेगा, क्योंकि अगर दोनों आवेश समान है, और आपको पता है कि समान आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल क्या होता है? ये दोनों जैसे प्रतिकर्षण बल लगा तो दोनों क्या पास आने के बजाय क्या दूर भागेंगे। प्रतिकर्षण यही तो मतलब होता है, दूर भागना। अब दूसरा चित्र देखिए फटाक से, जैसे क्या है, मान लेते हैं पहला आवेश हमारा ऋणावेश है, ठीक है, यानी कि माइनस क्यू, यानी कि जो हमने यहां लगा दी, यहां लगा दी, और इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर दूसरा आवेश धनावेश क्यू टू, इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमारी स्मॉल आर, कितनी है? स्मॉल आर है। अब देखो ये आवेश कैसा, माइनस का, और ये आवेश कैसा, प्लस का, यानी कि माइनस प्लस दोनों अपोजिट है, अलग है आवेश के, नहीं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो ये दोनों विपरीत आवेश हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं बेटा? तो दोनों, जब दोनों विपरीत आवेश होते हैं तो आपको पता है कि विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि दो असमान आवेशों के बीच दोस्तों आकर्षण बल कार्य करता है, इसीलिए क्या करेगा, ये सब एक दूसरे को खींच जाएंगे, ये इधर खींच जाएगा और ये क्या कहेगा, इधर खींच जाएगा, कहेंगे चलो भैया एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि क्या है, ये माइनस हो गया और प्लस हो गया जाके, इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या जाते हैं, खींच जाते हैं, आकर्षण बल लगता है, यानी कि दो समान आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और दो असमान आवेशों के बीच क्या, आकर्षण बल कार्य करेगा। ये चित्र है, तो चाहे आप ऊपर वाला चित्र बनाओ या नीचे वाला बनाओ, या आप दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ऊपर वाला बनाओ चित्र या नीचे वाला बनाओ या दोनों बना लो, कोई समस्या नहीं, आप दोनों चित्र भी पेपर में बना सकते हैं। अब नियम, कूलाम्ब का नियम कहता क्या है? तो दोस्तों कूलाम्ब का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्या कार्य किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि देखो क्या है, प्रतिकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल यहाँ कार्य कर रहा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं यानी कि उनका जो परिमाण होता है, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम्ब का नियम कहलाता है। थोड़ा लिख लीजिए फिर और समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लिखिए पहले फटाक से, पहले आप चित्र बनाइए, कूलाम्ब का नियम का हेडिंग पड़ेगी, उसके बाद आप चित्र बनाइएगा, फिर इस थ्योरी को लिखिएगा। लिखोगे क्या, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार पहला प्रूफ मिलने वाला दोस्तों, तो बड़े ध्यान से देखिए, डैश और रिलेटेड कॉमा में लिखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं यानी कि क्या परिमाण, लिखना चाहो ना तो लिख लेना बैक में परिमाण, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों समानुपाती, अनुक्रमानुपाती लिखिए समानुपाती बात है कि अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के बीच की दोस्तों दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा? किन्हीं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। आपसे कहा क्या है किन्हीं दो, चाहे यहां लिखना चाहे तो दो बिंदु आवेश भी लिख सकते हैं, क्या बिंदु मात्र के होते इसलिए यहां लिखना चाहे तो आप बिंदु आवेश भी लगा सकते हैं इसके पहले, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रा यानी कि परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कूलम्ब का नियम कहलाता है। राइट, देखिए तो सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से, सबसे पहले देखिए, माना दो बिंदु आवेश इसीलिए हमने कहा था यहां बिंदु आप लिख सकते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी कौन सी है बेटा, स्मॉल r है, अतः या तो इनके बीच कार्य करने वाला तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल डैश लगा दीजिए और ध्यान से देखिए, क्या हमने कुछ अपनी जेब से नहीं लिखा ना हमने अपनी तरफ से कुछ लिखा, चित्र कह रहा है क्या, माना दो बिंदु आवेश की बना क्योंकि दो आवेश हैं, कैसे आवे दो बिंदु आवेश मान लिया पहला Q1 दूसरा Q2 भाई तो लिखा माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 चित्र समझ जाएंगे लैंग्वेज आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा, इसलिए कह रहा था कि चित्र को देखिए पहले चित्र को देखिए उसके बाद लिखिए, हमने लैंग्वेज साथ में लिखी लैंग्वेज लिखी आप साथ में लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या कहता था इनके बीच की दूरी स्मॉल r यही तो है, चित्र में क्या देखिए स्मॉल r दिख रही है स्मॉल r मान लिया और तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण यहां देखो आकर्षण बल क्या कर रहा है या यहां क्या कर रहा है प्रतिकर्षण, तो इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब नियम क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि बल को कैसे लिखते हैं F से लिखते हैं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और हमने कहा अनुक्रमानुपाती क्या है या समानुपाती के बात एक ही हो गया, और उनकी मात्राएं क्या कितनी Q1 व Q2 का परिमाण कितना Q1 और Q2 प्लस माइनस से बता मतलब नहीं इसीलिए लिखा मात्राओं, इसके ब्रैकेट में लिखना चाहते तो परिमाण लिख लो जिससे और क्लियर हो जाए, मात्राओं का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे परिमाण भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए परिमाण साथ में जिससे आपको आसान है। तो हमने क्या कहा उनके मात्राओं के गुणनफल यानी कि जो इनकी मात्रा का इनका परिमाण लेंगे, मात्रा का मतलब क्या इनका परिमाण लेंगे प्लस से मतलब नहीं
सिर्फ प्लस बता रहा है कि प्लस है और वो माइनस का, इसलिए प्लस से मतलब नहीं, क्या कि सिर्फ मात्रा से यहाँ माइनस और टू, तो माइनस प्लस से हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनकी परिमाण लेंगे, क्या मात्रा लेंगे, Q1 Q2 होगा, इक्वेशन नंबर एक हो गई। फिर क्या कहा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 1/r2, इक्वेशन नंबर दो। इतनी बात क्लियर होगी, f समानुपाती q1 q2 इक्वेशन नंबर एक, और f समान व्युत्क्रमानुपाती 1/r2, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, इसको प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, इसको क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू यानी कि व्युत्क्रम, यानी ऊपर वन रख दीजिए और जिसको कह रहा है उसको नीचे डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो। इसको बनाइए, चित्र को अच्छे से बना लीजिए, इसको बनाइए, उसके बाद बात करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। अच्छा देखिए इसके आगे पहले लिखते हैं थोड़ा और, तो देखिए बेटा समीकरण एक भी बना, समीकरण दो बना, ध्यान से देखिए, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से देखिए ये क्या होगा, इनको आपस में मिला दीजिए अलग अलग, एफ ही क्या है, तो एफ समानुपाती कितना हो जाएगा q1 q2 अपान r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, एफ समानुपाती q1 q2 अपान r स्क्वायर हो गया। तो पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद ये नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। बढ़िया, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा है, पहला प्रूफ है, इसलिए तो आप और गौर से देखिए इसको। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्रा यानी कि परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मुझे याद, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को साथ में याद भी हो गया होगा, कि मैं बोल रहा हूँ यदि आप भी दोहरा रहे हैं तो जरूर याद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है इसके आगे। अब बेटा आपको पता है, पहले से ही आपको पता होगा क्या, कि यदि समानुपाती चिन्ह लगा होता है तो दोस्तों एक क्या आता है, नेतांगक। समानुपाती जब चिन्ह हटाते हैं तो दोस्तों एक नेतांग आता है, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो दोस्तों एक नेतांग आता है, तो समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो एक नेतांग आ जाएगा दोस्तों, तो इसको हटा के एक नेतांग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हटाते कैसे हैं दोस्तों, अब इसको हटाएंगे तो यहां पे एक नेतांक आ जाएगा दोस्तों, क्या नेतांक आता है, एफ एफ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए q1 q2 अपान आर स्क्वायर, एफ ए q1 q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि जब इसको हटाया, सदैव ध्यान रखिएगा जब भी आपका समानुपाती का चिन्ह बना होगा तो उसको हटाना होगा, जब भी आप समानुपाती का चिन्ह बना होगा तो उसको हटाना होगा, फिर इसको हटा के यहाँ पे क्या ये लिख दिया, तो लिख लोगे यहाँ पे जहां ए एक, जहां ए एक समानुपाती नियतांक है, जहां ए एक समानुपाती नियतांक है दोस्तों, ठीक है। अब प्रयोगों द्वारा दोस्तों जो ए का वैल्यू होती है एक निश्चित वैल्यू होती है, क्या ए की जो दोस्तों वैल्यू होती है एक निश्चित वैल्यू होती है, तो क्या होता है प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया, प्रयोग जब किए गए तो एक एक वैल्यू बताई गई, उसको लिख देते क्या, प्रयोगों द्वारा दोस्तों जो आपका बेटा ए बराबर होता है 1/4πε0 के, ये जो बना डिजाइन इसको ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ये और ये जीरो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, लिख लीजिए कहीं पे, आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है, नया सिंबल है, नया चिन्ह आपके लिए बिल्कुल है, इसको बोलते हैं, हम धीरे से बोल रहे हैं एप्सिलॉन जीरो, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट कहिए या एप्सिलॉन जीरो कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, लिख लीजिए फटाक से, ए बराबर क्या हो गया 1/4πε0 की हो गई, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर दे दीजिएगा, दो हो गए थे ना आपके समीकरण नंबर दे दीजिए इसको तीन, समीकरण नंबर कितना है तीन, फिर देखो बेटा समीकरण तीन से ध्यान से देखिए, तीन में एक की वैल्यू उठा के रखेंगे, इसमें जल्दी सकते हैं एक की
वैल्यू समीकरण तीन में रखने पर या डायरेक्ट खाली लिख दो समीकरण तीन से समझ में आ जाता है बेटा। तो यानी कि समीकरण तीन को देखना एक यूनिट उठा के रख रहे हैं, तो एफ बड़ा कितना हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू रखेंगे कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ठीक है इनटू q1 q2 अपॉन बेटा क्या r स्क्वायर। एफ बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब आपको ये तो पता है q1 क्या है, आप जानते हैं आवेश है, Q2 भी क्या है आवेश प्रकार का, R या दोनों के बीच की दूरी है, 4 पाई तो कांस्टेंट, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है क्या वास्तव में, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। क्या एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहेंगे, निर्वात वा वायु की विद्युतशीलता होती है। और दोस्तों के क्या होता है, माध्यम का परावर्तनांक होता है, क्या होता माध्यम का परावर्तनांक होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। तो इसके बारे में भी यहां पे मेंशन कर लेते, लिख लीजिए जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु, निर्वात का दोस्तों मतलब होता है जहां पर वायु ना हो उसको कहते हैं निर्वात, मतलब निर्वात यानी कि जहां पर वायु ना हो, एप्सिलॉन नॉट का निर्वात या वायु की इसको बेटा रख पड़ती इधर वाला निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं के क्या है, के दोस्तों माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का दोस्तों क्या है परावैद्युतांक है ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक दोस्तों। यदि ये तो फार्मूला आप एक काम, आपको एक फार्मूला यहीं से बन गया कि एफ बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एक तो फार्मूला यहीं से बन गया। फिर यदि क्या हो, यदि जो माध्यम हो वायु या निर्वात हो तो के क्या वजह बेटा जो मान होता है वो 1 होता है क्या, यदि इसके लिए फिर लिखेंगे आप यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो के बराबर दोस्तों होता है 1। यदि इसको क्वेश्चन नंबर लेना 4, इसको क्या कहा, यदि माध्यम क्या हो निर्वात या वायु हो तो के बराबर दोस्तों कितना होगा 1, यानी कि इस के की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो समीकरण हमारी क्या प्राप्त होगी, इस आई निकल आएंगे के कितना में 1 रख देंगे तो खाली के गायब हो जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 × 1 और तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ही तो बचेगा। तो क्या F बराबर फाइनल क्या आएगा, क्या आपका F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो 1 ही हो गया इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या हो गया एफ बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। बात क्लियर है, इस सूत्र को ही जो ये सूत्र आया है इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। लिखना चाहो उपरोक्त समीकरण को ही उपरोक्त यानी कि ये वाला उपरोक्त समीकरण को ही कूलाम का सूत्र कहते हैं। जो कूलाम का नियम आया था, नियम तो मैंने दिखा दिया क्या, किन्हीं दो निश्चित आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के विरुद्ध व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम तो लिखवा दिया, अब ये क्या है इससे संबंधित सूत्र है,
तो क्या उपरोक्त समीकरण को कूलाम का सूत्र नियम कहते हैं या सूत्र कहते हैं? चलिए सूत्र लिख लिए, कूलाम का सूत्र कहते हैं। सूत्र के स्थान पे आप नियम भी कह सकते हैं, उपरोक्त समीकरण को ही कूलाम का सूत्र, यानी कूलाम का जब नियम आपको साल करेंगे जो पूरा कहा है, आप सूत्र के स्थान पे नियम लिखे ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आप गेटिंग भी नियम पढ़िए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नियम ठीक है, अब सही है। उपरोक्त समीकरण को ही कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम के नियम से ही तो निकल क्या है, उसको जो थ्योरी में लिखी थी उसी को हमने इसको साल्व कर दिया, और साल्व करके क्या लेके आए, f बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दो बिंदु आवेश यदि आपको दे रखे हैं q1 और q2, उनके बीच की दूरी आपकी r है, क्या यदि दो बिंदु आवेश q1 और q2 दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी दोस्तों यदि स्मॉल r है, तो इनके बीच जो कार्य करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो f बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कंप्लीट प्रूफ होगा कूलाम का नियम। यदि कूलाम का नियम आया आपके पेपर में आता है तो आप इतना लिखेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करें, चित्र बनाने के बाद जो लैंग्वेज लिखी थी उसके बाद दो तीन लाइनें लिखी थी उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करेंगे। आप बताइए कहीं पे यहाँ पे दोस्तों कोई भी समस्या, आपको कोई तकलीफ कहने का मतलब दो समस्या कहने का मतलब, यदि कहीं पे भी चित्र में समझ में नहीं आया हो, या आपको कहीं थ्योरी में समझ में नहीं आया, या कहीं कोई भी लाइन में कोई भी समस्या हो दोस्तों, आप तुरंत कमेंट करिए, निसंकोच तुरंत अपने भाई से आप पूछ सकते हो। दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से, दोस्तों आप शेयर करते रहिए, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जम के जोश के साथ फटाक से शेयर करिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं फटाफट उसको शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फटाक से स्टेटस भी लगा लीजिए, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंच सके, उनका भी फायदा हो सके कि नहीं, तो फटाफट शेयर करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंप्लीट नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो कल दोस्तों हम जब बात करेंगे तो इस एप्सिलॉन जीरो पे बात करेंगे, कल का जो लेक्चर नंबर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, उस पे जब हमको कल बात करनी है एप्सिलॉन नॉट पर, एप्सिलॉन जीरो, इसका आपको विमीय सूत्र निकालना है, इसकी विमा क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, पहला क्वेश्चन कल का है, दूसरा क्या है एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्या होता है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान क्या होता है, इसकी वैल्यू निश्चित होती है एप्सिलॉन जीरो की, जो कहते निर्वात वायु की विद्युतशीलता कहते थे, इसकी वैल्यू दोस्तों निश्चित होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो उसके बाद यानी कल तीन टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, कि कोई ना कोई हर साल आपसे पूछा जाता है, कभी ना कभी जरूर पूछ लेता, तीनों में से कोई ना कोई चीज पूछ लेता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था और पहला प्रूफ था, इसलिए आप और दुगने जोश के साथ पढ़िए, क्योंकि पहला प्रूफ है और इतना आसान है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आएगा, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है समस्या तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्यों, कि जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सके दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।